चलो ओके नाउ लेट्स स्टार्ट फाइनली सम थिंग्स दैट आर हैपनिंग अभी। तो गुड मॉर्निंग हर्षित। वेल वी वर यस्टरडे डिस्कसिंग अबाउट डिफ्रैक्शन, ठीक है ना? आई डोंट नो व्हेदर इट इज कमिंग अप। हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफ्रैक्शन यस्टरडे ऑफ ग्रेटिंग विद अ सर्कुलर होल, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है, ठीक है, अगर उसमें देखते हो तो क्या होता है, now in case of a circular hole what happens is that suppose there is a very thin circular hole, very small circular hole, aur uska jo diameter was suppose d, aur maine kya kiya, parallel rays humne wo kiya, to dekhna dekhna isme pata kya hoga, एक सेंट्रल राइट फ्रिंज होगा, ठीक है, ये हो गया, सेंट्रल राइट, ठीक है, और फिर देखना एक डार्क पैच होगा, ठीक है, फिर एक ब्राइट होगा, फिर एक ब्राइट होगा, फिर एक डार्क पैच होगा, और अप्रोक्सीमेटली ये तो कैलकुलेट किया गया, एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया, और अप्रोक्सीमेटली देखा जाता है कि ये जो डायमीटर है ना इसका, यानी फर्स्ट डार्क का जो पोजीशन है वो होता है अराउंड लैम्डा जो है 1.22, वेयर कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द होल एंड द स्क्रीन, सो दिस इज द स्क्रीन, ठीक है, और ये स्मॉल डी हो गया, इसका छोटा सा होल है, ठीक है, स्मॉल इज अ स्मॉल होल, और इसी के थ्रू लाइट जो लाइट जाता है और फिर उधर जाता है, तो ये हो गया फर्स्ट डार्क का डायमीटर, और सेकेंड डार्क का क्या होगा, इसका डबल, ठीक है, तो दिस विल बी 2 × ये फर्स्ट डार्क का डायमीटर, तो इट विल 1.22 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अच्छा, इसमें दो तीन फ्रिंजेस के बाद कुछ खास दिखता नहीं, यू वोंट सी मच, तो लाइक उसके बाद एक डार्क होगा, बट दैट्स लाइक वेरी स्मॉल, मतलब पहला दो ही जनरली अराउंड दिखता है, बाकी तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी की तरह है कि मतलब प्रेजेंट है बस, हार्डली हार्डली विजिबल होता है, कुछ खास दिखता ही नहीं, ऑलमोस्ट ना ही दिखता है या नहीं दिखता है उसके बराबर ही, ठीक है ना, हार्डली विजिबल। तो पहला दो है जो ही जो है प्रोमिनेंट होता है, एक तो सेंट्रल राइट फ्रिंज हो गया, वो एक सर्कुलर पैच आएगा, यानी पूरा फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, सर्कुलर होगा, क्यों, क्योंकि होल सर्कुलर, सो दिस इज अ सर्कुलर, ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर होल, and based on that there is a screen
and in that screen you will get a pattern, and that pattern is like this. So this is the diffraction in a circular mirror. This is ठीक है, डिफ्रैक्शन इन अ सर्कुलर होल, तो ये इसका पैटर्न बनता है। तो इसका तो फिर क्वेश्चन क्या बनता है, तुम्हारी मेनली फॉर्मूला बेस्ड ही चीज है, आई डोंट थिंक यू डू मच, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे होता है, और ये हो गया वेवलेंथ लैम्डा, ऑब्वियसली ये हो गया वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। चलो जस्ट हैव अ लुक एंड देन वी विल गो अहेड। इसको कॉपी कर लो, ठीक है भाई। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर डिफ्रैक्शन बेसिक्स, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, इसके बाद आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। एक्चुअली क्या देखो, बिफोर वी गो इनटू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, लेट मी मेंशन समथिंग दैट इज मैग्निफाइंग पावर ऑफ अ लेंस। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्टैंडर्ड मैग्निफाइंग of lens. Now what do you mean by that? You know, if I ask you, chalo main ek question puchta hu, koi bhi lens le lo, suppose uska focal length 10 cm, 20 cm, 30 cm, kuch bhi hai, uske magnification ka kya range possible hai, batao zara, what is the range of magnification possible with a lens of, let's say, focal length 20 cm, with a lens of focal length 20 cm, what is the range of magnification possible? बताओ, कैन यू टेल? यस एनीबडी, व्हाट इज द रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन पॉसिबल विथ एनी लेंस ऑफ लेट्स से फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी आंसर? Okay, now as not many are really voluntary, अगर मान लो मैं लेंस के फोकस के आसपास रखता हूं, लेंस के फोकस के आसपास रखता हूं, तो दैट केस क्या होता है ना, अगर फोकस के इस तरफ रखते हो तो माइनस इंफिनिटी, उस तरफ रखते हो तो प्लस इंफिनिटी, है ना, क्योंकि फोकस और लेंस के बीच में अगर रखता हूं तो ऑरियन सेज के हाईएस्ट तो इंफिनिटी होगा, नहीं इंफिनिटी तो ठीक है बट इंफिनिटी में भी साइन आता है ना, तो मैं इसलिए कह रहा था कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी हर टाइप का मैग्निफिकेशन पॉसिबल है। आई विल रिपीट, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी हर टाइप का मैग्निफिकेशन पॉसिबल, ठीक है ना। तो देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, इट कैन बी एनीथिंग। अच्छा, आप सब बोलो, तुमको दुकान में जाके एक लेंस खरीदना, तो तुम दुकानदार को बोलोगे क्या? कभी सोचा कि तुम दुकानदार को क्या बोलोगे? क्यों? अब कोई भी लेंस से कोई भी मैग्निफिकेशन पॉसिबल है। हाँ, तुम हो सकते हैं बोलो क्यों, हम फोकल लेंथ बताएंगे। देखो, फोकल लेंथ बताने में कुछ नहीं आता, बट द पॉइंट इज दैट फोकल लेंथ का जो अंडरस्टैंडिंग, वो एक टेक्निकली वेरी साउंड बंदे के पास तो होगा,
बट क्या एक कॉमन मैन फोकल लेंथ को रियली अप्रिशिएट कर पाएगा? सोच के देखना थोड़ा सा, क्या एक कॉमन मैन फोकल लेंथ के आइडिया को या कंसेप्ट को रियली अप्रिशिएट या समझ पाएगा? आंसर इज नो. अगर एक कॉमन मैन जैसे कोई बंदा अगर मान लो जाता है लेंस खरीदने, तो वो दुकानदार को कैसे कन्वे करे, क्योंकि फोकल लेंथ का उसको उतना समझ नहीं. मान लो अगर मैं पूछूंगा बच्चा बताओ जरा कि 20 फोकल लेंथ और 30 फोकल लेंथ में क्या अंतर है, तो ही वोंट हैव दैट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट ही वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर. हाउएवर ही कैन अंडरस्टैंड मैग्निफिकेशन बेटर. क्यों? क्योंकि जब लेंस यूज करते हैं ना ऐसे करके, तो देखो वो मैग्निफिकेशन को समझ पाता है कि जैसे जैसे यूं कर रहा है तो इमेज का साइज बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, एंड सो ऑन यूं करते करते. सो दैट इज समथिंग दैट ही हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ. सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर, यू माइट कॉल इट इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस या जो भी कहना चाहते हैं. कैसे ना, हम लोग एक स्टैंडर्ड मैग्निफाइंग पावर ऑफ अ लेंस डिफाइन करें. सो वी विल डिफाइन अ स्टैंडर्ड मैग्निफाइंग पावर ऑफ अ लेंस. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड, नहीं, कोई भी लेंस कुछ भी मैग्निफिकेशन दे सकता है डिपेंडिंग ऑन कि तुम उस लेंस के फोकल लेंथ के हिसाब से ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो एंड सो ऑन. सो देयरफॉर आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैग्निफिकेशन इन एनी लेंस. No, any lens can produce any magnification. That's the reality. So, फिर हम लोग अलग से magnifying power of a lens क्यों define करते हैं? So that we can get some kind of a standard value to talk about or coefficient. So, what is the standard value? So, यानी इसकी जो standard definition. इसका जो standard definition वो क्या है? Standard definition इसका है. तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन फॉर्म एट डी. नहीं मैं से डी क्या होता है, डी इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. हम लोगों के जो आईज है ना, हम लोग का आईज भी एक काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस इंस्ट्रूमेंट जो भी कहना चाहते हो, ठीक है. हम लोग का आईज के साथ तो यही. अब इस आईज के साथ अगर मान लो तुम वो करते हो, डिस्कस करते हो मैग्निफिकेशन या मैग्निफाइंग पावर, तो कैसे डिस्कस करते हो, है ना? तो ठीक है ना, हम लोग कैसे करेंगे ना, उसके लिए एक डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है कि अगर मान लो मैं कोई एक ऑब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं, जैसे मान लो कुछ जैसे मोबाइल हो, ठीक है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, तो अगर मैं यहां पे रखता हूं तो बड़े आराम से पढ़ पा रहा, पर अगर मैं यहां पे रखता हूं ना तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रहा है. थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि जो बहुत छोटा है उसको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, और अगर मैं एकदम यहां पे रखूंगा तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, जबकि बहुत करीब है लेकिन क्या ना लेंस फोकस नहीं कर पा रहा. तो अप्रोक्सीमेटली एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली जैसे मेरा तो नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं है कि मुझे स्पेक्स का जरूरत पड़ रहा है, यानी नॉर्मल तो नहीं, बट चलो व्हाटएवर. एक नॉर्मल ह्यूमन में अगर देखोगे तो अराउंड 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर होगा, तो वहां से लगभग बिना धुंधला हुआ पढ़ सकता हूं एक नॉर्मल ह्यूमन आई. अब तो मैंने स्पेक्स लगा ले तो इसलिए मेरे भी आई बहुत नॉर्मल मान सकता हूं, तो लेकिन 15 पे जब हम पढ़ते हैं ना तो आईज को ना थोड़ा सा स्ट्रेन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा करना पड़ता है या मे भी ऐसा करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है. तो अगर मैं 15 पे पढ़ता हूं तो एक्चुअली माय आईज आर अंडर स्ट्रेन, सो देयरफॉर आई एम नॉट रीडिंग स्ट्रेन फ्री. तो और अगर थोड़ा दूर करता हूं यहां पर करीब करीब 25 सेंटीमीटर, या अगर 25 सेंटीमीटर होगा तो यहां पे बिल्कुल बिना टेंशन के, आईज में कोई स्ट्रेन नहीं होता, एकदम अनस्ट्रेन्ड आईज में हम पढ़ सकते हैं. इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं एकदम यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां तो कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा, एकदम यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा, फिर धीरे 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 15 पे लगभग पढ़ना शुरू हो गया, लेकिन 15 पे जब मैं पढ़ रहा हूं तो थोड़ा आईज में स्ट्रेन है और वो आईज रिलैक्स हो जाता है एट 25. तो 25 सेंटीमीटर का जब डिस्टेंस हो जाता है तो लगभग वो आईज रिलैक्स होकर वही चीज पढ़ पाता, तो दैट इज कॉल्ड एज द
value of d. D is the least distance of distinct vision, bracket mein, without strain of eyes. So d least distance of distinct vision. Okay. Capital D is the least distance of distinct vision. Bracket me. For normal human eye. Bracket me. ठीक है, यानी कोई स्ट्रेन ना, ठीक है, विदाउट स्ट्रेन. तो ये डिस्टेंस एक स्टैंडर्ड वैल्यू का है और वो है 25 सेंटीमीटर. सो दिस वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल So capital D is equal to 25 centimeter. ठीक है, so that is the standard. तो अगर मान लो angle subtended by image when formed at P upon angle subtended by object when of course we are assuming that the size of the object is very small, so therefore the angles that will be subtended correspondingly will also be very small. Ye hum log assume karte hain, theek hai, so that's our magnifications. Then angle subtended by image when formed at D upon angles subtended by object when placed at D. ab dekho yahan pe ek interesting cheez samjho, hum logon ne abhi tak jo magnification define kiya tha na lens ke context mein, wo kya tha? V by U. चलो v by u को तुम एंगल सबटेंड बाय v और एंगल सबटेंड बाय u भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. सो दैट कैन बी डन. पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट इज दैट ये सिंगल इवेंट का मैग्निफिकेशन डिफाइन किया गया था अभी तक. एक ही इवेंट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज, ध्यान से सुनो, एक ऑब्जेक्ट रखा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज, फिर हम लोग वो डिस्टेंस डिस्टेंस जो भी है वट एवर एंगल वैल्यू. लेकिन पता क्या यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अलग अलग इवेंट हो रहा है. यानी पहले ऑब्जेक्ट को डी पे रख दो और उसका एंगल चेक कर लो, ठीक है ना, उसके एंगल चेक कर लो, लेट्स कॉल इट सम काइंड ऑफ अल्फा या जो भी थीटा फाई जो भी करना है, हो गया ना. अब वो इवेंट खत्म हो गया. जब तुमने ऑब्जेक्ट डी पे रखा उस समय इमेज कहां पे है उससे हमें कोई कंसर्न नहीं. तो यानी दो अलग अलग इवेंट की बात चल रहा है. जब हम लोगों ने लेंस में मिरर में वगैरह में मैग्निफिकेशन डिफाइन किया तो क्या था कि ऑब्जेक्ट को रखो उसी ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज को देखो, फिर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह हमने ये डिस्कस किया था. पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जब ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखा यानी डी पे रखा उस समय इमेज कहां बन रहा है मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं. मैं बस ऑब्जेक्ट को रखता हूं डी पे और उसके एंगल निकालता हूं, लेट्स कॉल इट अ सपोज अल्फा, ठीक है ना. तो लेट्स कॉल इट अ इक्वल टू अल्फा. ओ बीटा और अल्फा क्या है बताता हूं, तो हो गया अल्फा, हो गया इवेंट खत्म. यानी जब हमने ऑब्जेक्ट को 25 पे रखा उस समय इमेज से मुझे कोई कंसर्न नहीं, चलो ठीक है, एक इवेंट खत्म. अब मैं काम करता हूं ऑब्जेक्ट को कहीं और रखता हूं, डी पे तो शायद नहीं रखना पड़ेगा, बहुत रेयरली कभी हो जाए तो अलग बात है, बट डी पे तो नहीं, कहीं और रखता हूं, इधर उधर 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 रखता हूं. नहीं बट से इतने जगह क्यों रख रहा हूं ना, मैं इतने जगह पे नहीं रख रहा हूं, मैं एक्चुअली वो जगह ढूंढ रहा हूं ऑब्जेक्ट रखने का, मैं वो जगह ढूंढ रहा हूं ऑब्जेक्ट रखने का सो दैट इमेज अब डी पे बने, समझ रहे. यानी इमेज कहां पे बने, डी पे बने और उस समय इमेज का एंगल निकाल, उस समय ऑब्जेक्ट कहां पे है उससे मुझे कोई अलग मुझे कोई कंसर्न नहीं, बस ऑब्जेक्ट किसी तरीके से इस तरीके से रखो सो दैट इमेज डी पे बने, दैट इज द प्राइम कंसर्न. यानी दो एंगल्स हो गए, जब ऑब्जेक्ट डी पे रखते हो तो उसका एंगल लेट्स कॉल इट अल्फा, फिर ऑब्जेक्ट को इधर उधर शिफ्ट करके किसी तरीके से ऐसे करो कि इमेज डी पे बने उसका एंगल भी लिख लो और वो है सपोज बीटा. मैग्नीफाइंग पावर हमने डिफाइन किया है बीटा बाय अल्फा.
That's it. Beta by alpha. ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन. ठीक है, यानी देखो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये दो अलग अलग इवेंट का एंगल है, दो अलग अलग इवेंट का एंगल है. जिस समय ऑब्जेक्ट 25 पे है उस समय इमेज कहां पे, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, और जिस समय इमेज 25 पे है उस समय ऑब्जेक्ट कहां पे है उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है. तो दो अलग अलग इवेंट का एंगल है, बस किसी तरीके से डी पे एक बार ऑब्जेक्ट रखना और एक इमेज को फॉर्म करना, अलग अलग इवेंट है. चलो स्टार्ट. तो लेट्स से ये लेंस है, और ये ऑब्जेक्ट है डी. तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, और ये डी है. तो देयरफॉर ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा. सिंपल. तो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली टैन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू एच ओ बाई डी. सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं. चलो ठीक, अब मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे एक जगह पे रखता हूं सो दैट इमेज ऑफ डी पे बने. तो लेट्स से इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं. टाइम मशीन कहां पे लेके आया मुझे भी नहीं पता, मैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट को इधर उधर करते 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 मैं एक ऐसे जगह ढूंढ रहा हूं सो दैट इमेज डी पे बने, है ना. तो इमेज कैसे डी पे बनेगा, ना इमेज डी पे कुछ ऐसे बने, यू एम ले जाएंगे और एक मेरे ऐसे जाएगा ऊपर लेंथ से, तो करके जो भी है व्हाटएवर यहां पे सपोज. ठीक है, अब वो तो समझ जाओ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बेटा, ताकि मैं समझ सकूं. ये पीछे प्रोड्यूस करना पड़ा इसलिए मैं इसको आगे ले गया. तो ये इमेज बन गई, जो क्या एच आई मुझे इतना तो मालूम है कि एच ओ बाई यू, है ना, इतना तो मुझे मालूम है कि एच ओ बाई यू, एच ओ बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई डी. और बीटा क्या है भाई, बीटा इज इक्वल टू एच आई बाई डी, यानी इक्वल टू एच ओ बाई डी. अब मुझे u निकालना पड़ेगा सो दैट द इमेज इज फॉर्म एट डी. तो लेंस का फॉर्मूला लगा दो, अगर इसका मान लो फोकल लेंथ f है तो वी नो 1 / b - 1 / u इज इक्वल टू 1 है, यानी 1 / b, b को क्या d माइनस, है ना, माइनस 1 / u इज इक्वल टू 1 / f. देन इसको उधर ले जाता हूं, माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई डी इज इक्वल टू डी प्लस एफ बाय एफ. ठीक है, डी प्लस एफ बाय एफ. तो यू का वैल्यू आ गया इक्वल टू एफ डी बाय दिस. तो अब अगर मैग्नीफाइंग पावर देखता हूं तो क्या होता है, बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा. तो बीटा हो गया एच ओ बाई यू अपॉन अल्फा हो गया एच ओ बाई डी सुपर डी बाई. ठीक है, तो यानी ये तो माइनस यू इज इक्वल टू डी प्लस एफ बाई डी, तो फॉर डी बाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस जनरली हम लोग ना मैग्नीफाइंग पावर में कोई प्लस माइनस डालते नहीं है, हम लोग साइन के बगैर ही कर देते हैं. तो देयरफॉर वी से इट हैज गॉट नाउ 1 प्लस 2 बाय, इसके माइनस को ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, ड्रॉपिंग द साइन.
because our intention is not ki wo minus hai plus hai, our intention is kitna bada hai, 5 times hai, 2 times hai, 3 times hai. Ab wo minus 5 times hai, minus 2 times hai, ya plus 5 times hai, plus 2 times hai, mujhe usme zyada interest nahi. Main interested mainly hu ki dugna ho raha hai ya 5 guna ho raha hai ya kya ho raha hai, wo janne ka interest. So therefore the standard value of magnification, therefore the standard value of magnification is given by 1 plus g upon f. ये स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन होता है. दिस वी कॉल एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंगल सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब होता है सिंगल लेंस. सो नाउ वी आर कॉलिंग इट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सो व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या हुआ ना? सिंगल लेंस. ठीक है ना? सिंपल माइक्रोस्कोप मींस व्हाट? अ सिंपल लेंस. ठीक है? तो सिंगल लेंस का मैग्नीफाइंग पावर, तो इससे अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंगल सिंपल माइक्रोस्कोप, आंसर आ गया 1 प्लस डी बाय. सो देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर of a simple microscope is equal to 1 plus E by सिंपल माइक्रोस्कोप. लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो, अगर मतलब माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन कुछ होगा 20 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ऐसे होगा. अब जरा सोचो, अगर मैं एक लेंस लगाता हूं एक बार मैग्निफाई करने के लिए, तो एक इमेज बनाएगा, वो इमेज अगर एक दूसरे लेंस पे फिर से मैग्निफाई करो तो और ज्यादा मैग्निफिकेशन हो सकता है या नहीं? तो देयरफॉर व्हाट यू कैन डू इज दैट, टेक वन लेंस, ऑब्जेक्ट रखो, तो कुछ इमेज बनेगा, उसका एक मैग्निफिकेशन है, मान लो 5 टाइम्स है, और अगला जब लेंस रखो तो मान लो वो भी 5 टाइम्स कर रहा है, यानी 25 गुना हो गया. So therefore, we often prefer a compound microscope. तो compound microscope में क्या होगा? यही lens आप दो बार use होगा. एक बार object जहाँ पे रहेगा वो, उसका नाम दे देगा objective, और फिर उसका image कुछ बनेगा बीच में, फिर एक और lens, उसका नाम दे देगा eyepiece, क्योंकि वहीं से देखोगे, एक तरफ object रखोगे, दूसरी तरफ देखोगे, इसलिए एक lens का नाम हो जाएगा objective lens, जिसके पास object रहता है, और एक lens का नाम हो जाएगा eyepiece, जिसके वहां पे आईज रखेंगे देखने के लिए इस तरीके से. एंड देन यू हैव अ ट्यूब आल्सो, सो दैट ट्यूब इज द ट्यूब इन व्हिच द लेंस इज केप्ट इन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब. और उसी ट्यूब के अक्रॉस एंड पे दो लेंस हम रखते हैं. ठीक है, तो उसका कंसीक्वेंस क्या होगा? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना? ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये एक लेंस हो गया और ये एक लेंस. ठीक है, ओके. अब क्या ऑब्जेक्ट है और ये एक ऐसी इमेज बनाएंगे जो कि फोकस से जाएंगे. तो ये ई वन, आई वन, दिस इज योर ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज. अब ये तो आई वन बनना,
इसका भी इमेज बना लेते हैं, इमेज कुछ बनेगा ऐसे। I2 is the final image जो बनेगा। So this is how a compound microscope would look. These are two lenses. इसको हम लोग बोलेंगे as objective lens और इसको बोलेंगे as eyepiece lens. ठीक है? क्योंकि यहाँ से हम eyes रखेंगे। ये eye और ये box. Then O is the objective lens, means object kept in front और E हो गया eyepiece lens means from where we see the image. ठीक है? Okay. यानी आपको क्या होगा मैग्नीफिकेशन दो बार होगा? भाई आप तो मैग्नीफिकेशन दो बार होगा ना? So therefore, we can write M over. ठीक है? So therefore, we can easily write M over all. M of the eyepiece into M of the object, ठीक है? तो eyepiece का तो वो standard value, because हम जब देखेंगे तो obviously उसको standard उसपे रखेंगे, तो standard magnification use करेंगे। तो ये अगर इसका अगर focal length होता है FE और इसका मान लो FO, eyepiece वाले का focal length FE और इसका FO, तो ये हो जाएगा 1 plus D by FE into अब ऑब्जेक्टिव का क्या ना, वो तो स्टैंडर्ड उस पे तो नहीं आ सकता ना, तो लाइक जहां पे ऑब्जेक्ट रख लो उस हिसाब से होगा, तो उसका भी तो लेट अस से ये यू है एंड लेट अस से ये वी है, यानी इमेज वन जहां पे बन रहा है वो डिस्टेंस को मैंने वी मान लिया और ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है यहां पे फ्रॉम द लेंस उसको यू मान लिया, तो यानी इन टू वी m ओवरऑल कितना आ गया हमें इक्वल टू 1 प्लस d / fe इनटू v / a। अब एक चीज सुनो, ये तो खैर जनरल आ गया, बट देन यू माइट से कि यही मैग्नीफिकेशन जरूरी है? नहीं, ये इसका स्टैंडर्ड मैग्नीफिकेशन है। असली मैग्नीफिकेशन कितना होगा मुझे क्या पता, वो तो डिपेंड करता है तुमने ऑब्जेक्ट कहां रखा। जैसे ऑब्जेक्ट रखोगे ऑब्जेक्टिव के सामने तो उसका इमेज बनेगा, वो इमेज फिर सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। इससे भी तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी रखा है, इस टाइप का हमने क्वेश्चन भी कर रखा है कि अगर दो लेंस कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो साथ साथ अटैच करके रखो चिपका के या सेपरेट करके रखो, हम लोगों ने इस टाइप की कोशिश कर रखी है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्चुअल मैग्नीफिकेशन क्या होगा ना, वो ये नहीं है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड मैग्नीफिकेशन फॉर अ सर्टेन गिवन डिवाइस, ये इसका स्टैंडर्ड मैग्नीफिकेशन। बट देन यू माइट से ये तो यू डिपेंडेंट हो गया, स्टैंडर्ड कैसे हो जाएगा यू? तो ये तो अगर मैं इस पर इधर करूंगा तो ये फैक्टर तो बदल जाएगा, स्टैंडर्ड क्या रहेगा? बिल्कुल बात सही है। इसलिए पता क्या है कि हम लोग इनको भी स्टैंडर्ड वैल्यूज पे रखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट हम लोग करीब करीब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव के आसपास रखते हैं।
बट एकदम फोकस पे नहीं रखता, क्योंकि उससे तो इमेज ब्लर्ड हो जाएगा, इन्फिनिटी में बनेगा नॉन सॉल्व, वो नहीं करता है, फोकस के आसपास रखता है। यानी एक्चुअल में क्या होता है इन प्रैक्टिस या इन दिस केस में व्हाट इज डन इज दैट यू इज टेकन एन एप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू नहीं रख सकते क्योंकि तो फोकस पर होते इमेज तो इन्फिनिटी बनेगा, फिर तो मामला डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या ना हम लोग पता क्या करते हैं, इस लेंस पे हम लोग चाहते हैं, इस लेंस पे हम लोग चाहते हैं अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि मैं माइक्रोस्कोप का इमेज मैं स्क्रीन पे नहीं देखना चाहता, वो तो फिर रियल इमेज हो, मैं वर्चुअली देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं माइक्रोस्कोप पे ऐसे देखना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट द इमेज समवेयर हियर एंड यू नो इट शुड बी वर्चुअल। तो अगर वर्चुअल इमेज चाहते हो, इन दैट केस दिस ऑब्जेक्ट शुड बी समवेयर इन बिटवीन द फोकस ऑफ दिस लेंस ऑन दिस साइड एंड द लेंस, क्योंकि लेंस और फोकस के बीच में होंगे तो भी कोई वर्चुअल इमेज हो सकता है। तो देयरफॉर दिस इमेज आई वन शुड बी फॉर्म क्लोज टू द आईपीस फॉर फॉर्मिंग अ फाइनल वर्चुअल इमेज। सो देयरफॉर फॉर फॉर्मिंग अ फाइनल वर्चुअल इमेज, for forming a final virtual image we need I1 to be near LE, यानी हम चाहते हैं कि LE यानी आईपीस के आसपास रहे, हम चाहते हैं कि ये जो इमेज I1 है ये LE यानी आईपीस लेंस के आसपास बने। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं माइक्रोस्कोप में जिसके दो एंड्स पे लेंस लगाते हैं, एक आईपीस वाला होता है और एक नीचे वाला जो लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग लिखते हैं जनरली कैपिटल एल। तो कैपिटल एल क्या हो गया, कैपिटल एल को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है ना। सो कैपिटल एल इज बेसिकली लेंथ ऑफ ट्यूब, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, ठीक है ना, कैपिटल एल is the length of tube and that is approximately distance between LE and L, yani eyepiece length aur objective lens ke beech ka jo distance hai wahi approximately length of tube hoga. So therefore hence jo V aayega na ye wala, ye V, ये v को हम लोग लेते हैं approximately as l, l मतलब हो गया length of the tube, हो गया। तो therefore finally magnifying power of the compound microscope कितना आ गया, तो therefore finally m is equal to m eyepiece in 1 plus d by fa into v, और u is approximately what? FO. इसलिए इसका मैग्नीफिकेशन स्टैंडर्ड वैल्यू जाएगा एल बाई एफ, ये होता है स्टैंडर्ड मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट मैं फिर से याद दिलाऊंगा ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी जब तुम डब्बा खोलोगे ना, मान लो तुमने माइक्रोस्कोप खरीदा उसका एक डब्बा भी तो होता है, तो जब डब्बे को खोलोगे तो देखना उसमें ये वाला मैग्निफिकेशन लिखा रहेगा, ये मतलब फॉर्मूला नहीं लिखा रहेगा, इसको सॉल्व करके इसका जो वैल्यू होता है वो तुमको प्रिंट करके दे देंगे। सो दैट इज द स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन। बट ध्यान रखना कोई भी माइक्रोस्कोप से थियोरेटिकली तुम कुछ भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते, बस ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखते जाओ तो इमेज फॉर्म होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो लाइक रखता जाएगा। तो मान नाइन बट से अगर स्टैंडर्ड वाला सिचुएशन नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यही इस माइक्रोस्कोप का पहचान है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू। बट अगर तुम ऑब्जेक्ट को हेरा फेरी करके इधर उधर कहीं पे रखोगे तो अब तुम्हारे लिए माइक्रोस्कोप है ही नहीं, तुम्हारे लिए दो लेंसेस है, एक लेंस को सॉल्व करो उसका इमेज निकालो
फिर उस इमेज को सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बना दो, फिर उसके इमेज निकालो, फिर एम वन और एम टू निकालो अलग से, कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना लेंस वेंस का जो क्लास 10th में सिखा था उतना ही काफी है, और उसके बाद ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालो। ये एक्चुअल रियलिस्टिक मैग्निफिकेशन, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन नहीं है, ये होता है स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन। जो कि अगर मान लो मैं डब्बा खरीदना चाहता हूँ, मैं माइक्रोस्कोप खरीदना चाहता हूँ और मैं कह देता हूँ उसको इंटू 200, तो इंटू 200 मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट अलग अलग रखो तो अलग अलग मैग्निफिकेशन आएगा, तो इंटू 200 का मतलब क्या होगा ना? उसका स्टैंडर्ड वैल्यू। यानी वो माइक्रोस्कोप वो बेचने वाला मतलब दुकानदार क्या करेगा, तुमको वो वाला माइक्रोस्कोप पकड़ा देगा जिसमें इस पूरे चीज को सॉल्व करके आंसर 200 आ रहा होगा। That is what is the idea of standard magnification. Please understand, standard magnification और magnification अलग है। क्योंकि अलग इसलिए क्या हो रहा है कि magnification के लिए क्या होगा ना, तुम कहीं पे भी object रखो, जरूरी नहीं कि approximately focus के आसपास, ऐसे कोई जरूरत नहीं। तो अगर कहीं और रखोगे तो फिर question की तरफ बन गया। अब अपना magnification दोबारा निकालो, एक का image दूसरे के लिए object बन गया, फिर वो भी यानी दो दो बार lens formula लगाओगे and you'll get some standard answer, simple, है ना? You'll get some standard answer. ठीक है, नोट कर लो। तो दैट वाज अबाउट ये माइक्रोस्कोप। बॉटल इतना ज्यादा भरा हुआ था कि पानी गिर गया। चलो, तो दैट वाज अबाउट योर स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम बात करेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है, इन द सेंस कि लेंस के फोकल लेंथ का सिस्टम उल्टा है। जैसे माइक्रोस्कोप में देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव थोड़ा नैरो था, फोकल लेंथ कम वाला था, और आईपीस का जो है ना फोकल लेंथ में ज्यादा देखा होगा, है ना? तो यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंथ उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, ये F4 और ये F है, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं जानबूझ के, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा लेकिन माइक्रोस्कोप में ना एक और चीज भी है। चलो ठीक है, मैं एक चीज बताना भूल गया। माइक्रोस्कोप में एक और चीज भी है और वो है कि इफ इमेज इज एट इंफिनिटी। देखो हम लोगों ने जो स्टडी किया था ना वो सब कुछ डी के हिसाब से किया कि इमेज इज एट डी, बट मान लो अगर इमेज एट इंफिनिटी होगा तो इन दैट केस क्या होगा? यू इज एट एफ ई के बराबर, ठीक है? इन दैट केस क्या होगा ना? तो यू इज एट एफ के बराबर। मैंने लिखा था मैग्निफिकेशन को ऐसे याद करके देखो, H O by D upon H O by U,
याद आ रहा है थ्योरी क्या हो गया? सॉरी एच आई बाई डी अपॉन एच ओ बाई डी, ये बताया था। तो एच आई बाई डी अपॉन एच ओ बाई डी, यानी क्या हो गया एच एच ओ, तो ये आया था ठीक है ना, याद करके देखो। और जब हमने कैलकुलेट किए तो वो आया था कि तो ये आया था कि ये तो ने काम कर स्टैंडर्ड वेरिएशन स्टार्ट करता है बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू दिस दिस। फिर मैंने देखा कि एच आई बाय डी क्या बनेगा, तो उस समय ऑब्जेक्टिव यहां पे क्लिक करता है ना, तो ये हो गया क्यू। सो दैट ये ऐसे था, ये एच आई हो गया, तो एच आई बाई डी इज इक्वल टू एच ओ बाई डी है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं एज इक्वल टू एच आई बाई डी, तो मैं लिख सकता हूं एज एच ओ बाई डी और हो गया एच ओ बाई डी ठीक है। और एच एच कैंसिल करके मेरी डी बाई यू, अगर तुम इमेज को इंफिनिटी पे चाहते हो, अगर इमेज को इन्फिनिट में चाहते हो तो दैट केस ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, फोकस के आसपास, तो देयरफॉर यू विल बी व्हाट दैट एफ, तो यू कैन एफ लिखेंगे ठीक है। यानी माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, दो चीजों का एनालिसिस करते हैं, एक होता है इमेज एट डी और एक होता है इमेज एट इंफिनिटी। तो अगर इमेज एट इंफिनिटी करते हो तो दैट केस मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आता है वो आता है डी बाय एफ, और अगर इमेज एट डी पे करते हो In that case, magnifying का formula आया था, वो आया था 1 plus d by f, याद आ रहा है? अब क्या देखो कि इस केस में तो माइक्रोस्कोप में इमेज इज एट इंफिनिटी, ऐसे केस में जो मैग्नीफाइंग पावर ओवरऑल आएगा वो क्या आएगा, तो देखो मैग्नीफाइंग पावर फाइनली विल बी इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू आईपीएस, तो ऑब्जेक्टिव का वही आएगा v by u into IPS, अब IPS के लिए D by FE, यानि D by FE, so therefore, for image at infinity, therefore, for image at infinity क्या होगा, the magnifying power is equal to MO into MP, so MO बोलते है V by U, और MP बोलते है D by F, ठीक है, yeah, यह क्या magnifying power, अब V by U क्या होता है, approximately, यह, L by FO, so that will be equal to L by FO into ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले ये था L by FO into D by FE, now के 1 plus D by FE, बस इतना ही फर्क था ठीक है ना। इसके पहले previously क्या आया था, मैं तुम्हें एक बार आया था L by FO FO into 1 plus D by F. बस तो ये दो स्टैंडर्ड मैग्नीफिकेशन हो गया, फॉर इमेज एट डी ये वाला और इमेज एट इंफिनिटी ये वाला, ये दोनों स्टैंडर्ड मैग्नीफिकेशन माना जाता है फॉर अ माइक्रोस्कोप ठीक है, ये दोनों नोट कर लो।
ओके चलो तो नाउ लेट्स प्रोसीड. चलो नाउ लेट्स लुक एट अ टेलीस्कोप. ये स्टैंडर्ड वेल इज टेलीस्कोप में क्या देखो टेलीस्कोप में क्या होता है जैसे कि पहला वाला लेंस बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव और ये हो गया आईपीस एफ. अच्छा टेलीस्कोप में हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इंफिनिटी से कोई रेज आए फिर पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू पास हो फिर उसका एक इमेज बने फिर उस इमेज को हम आईपीस वाले लेंस से देखेंगे यानी आईपीस वाले लेंस से हम देखेंगे. ठीक है अब देखो कैसा होता है. मान लो ये लेंस से रेज है ठीक है तो ये हो जाएगा एफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो ये निकल के आ रहा है ये भी निकल के आ रहा है ये ऐसे हो गया ऐसे क्या फिर ये ऑब्जेक्टिव है आईपीएस है तो इसको भी कुछ ऐसे ले लो इसमें भी ऐसे कुछ होगा फिर ऐसे और फिर एक ऐसे तो ये भी आप तो है इंफिनिटी पे तो जो भी है. टेलीस्कोप में ना टेलीस्कोप में वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन टेलीस्कोप वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि मुझे स्टार यहीं पे नजर आ जाए ये इधर ही आसपास में मैं चाहता हूं मैं जो स्टार देखूंगा वो एकदम बहुत दूर दिखाई दे जैसे नॉर्मली स्टार्स दिखाई देता है स्टार्स द मून या जो भी हम लोग यू नो हेवनली ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. हम भी कंफर्टेबल इस बात पे है कि वो स्टार काफी दूर दिखाई दे और थोड़ा मैग्नीफाई होकर दिखाई दे बड़ा दिखाई दैट्स व्हाट वी वांट. अब देखो ये है सपोज अल्फा तो ये क्या होगा बीटा क्योंकि इसके लिए तो ऑब्जेक्ट एंगल क्या होगा अल्फा ये बोला क्योंकि यही अल्फा तो ये भी अल्फा होगा एक्चुअली ये अल्फा बट वो वर्टिकल ऑपोजिट होकर ये अल्फा हो गया और यहां से देख रहे हो तो ये जो एंगल दिखेगा वो है बीटा है ना जिस एंगल पे दिख रहा वो है बीटा मतलब ट्यूबलाइट सॉरी ट्यूबलाइट बता रहा हूं टेलीस्कोप के जिस पर जिस एंगल से दिख रहा है वो है बीटा पर वो अगर बीटा है तो ये भी बीटा. अब हम लोगों ने मैग्निफिकेशन स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे डिफाइन किया बीटा बाय अल्फा है ना और हम लोगों ने डेलिबरेटली क्या किया ये वाला इमेज में इसके फोकल लेंथ पे बनेगा और हम डेलिबरेटली क्या करते हैं ये वाला जो लेंस है ये इस तरह से रखते हैं कि इसका फोकल लेंथ इस लेंस के साथ कोइंसाइड हो तब ना इमेज ऑफ इंफिनिटी बनेगा अदरवाइज इमेज ऑफ इंफिनिटी बनेगा ही है ना. सो देयरफॉर इसका जो स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन बनेगा इसका जो स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन होगा ठीक है और ये मान लो एच है ये हो गया एफ ओ तो बीटा बाय अल्फा दैट इज अप्रोक्सीमेटली टैन बीटा दैट इज अप्रोक्सीमेटली टैन बीटा बाय टैन अल्फा और टैन बीटा क्या हो जाए ना एक्स बाई एफ और टेन अल्फा कितना हो जाएगा एक्स अपॉन एफ ओ ये हो गया इसका स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन.
यानी एफ ओ बाय एफ एच। यानी ये ऑब्जेक्टिव का हो गया और ये आईपीएस का हो गया। अब अगर तुम चाहते हो कि इमेज में मैनिपुलेशन हो, देन यू शुड टेक व्हाट, अ लार्ज एफ ओ एंड ए स्मॉल एफ ई, दैट व्हाट मैग्निफाई द इमेज, है ना। सो देयरफॉर हेंस वी टेक अ लार्ज वैल्यू एंड small value of f. ठीक है ना। So that is the standard value for मैग्निफिकेशन या मैग्निफाइंग पावर या जो भी करना चाहते, ठीक है। चलो आई थिंक दैट्स व्हाट वी विल एंड द डे फॉर टुडे। एज फार एज टुडे इज कंसर्न, वी जस्ट गॉट द जनरल इंट्रोडक्शन टू, ठीक है ना, वी जस्ट गॉट अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द आइडिया ऑफ अ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप एंड द स्टैंडर्ड मैग्निफाइंग पावर्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो खैर दो डिसाइड किया हमने, एक सिंपल का, एक कंपाउंड का, और कंपाउंड के अंदर भी दो था, फॉर इमेज एट डी एंड फॉर इमेज एट इनफिनिटी, और टेलीस्कोप का तो बताई दिया एफ ओ बाय एफ ई। सो देयरफॉर वी शुड हैव अ लार्जर वैल्यू ऑफ एफ ओ एंड अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ ई फॉर मोर मैग्निफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। दैट्स द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, वही मैंने लिखा है, वी टेक अ लार्ज वैल्यू ऑफ एफ ओ एंड अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एफ ई फॉर लार्जर अमाउंट्स ऑफ मैग्निफाइंग पावर, ठीक है। चलो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, व्हाट वी हैव एज फार एज टुडे इज कंसर्न्ड, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। चलो ओके बेटा, हैव अ गुड डे, बाय बाय।